अनादिकाल से भारतवर्ष के गौरवमयी इतिहास, धर्म और संस्कृति में सिंह को सर्वोच्च स्थान मिला है। सिंह स्कंधाधिरूढ़ाम त्रिभुवन मखिलम तेजसा, अर्थात तीन लोक को तेज से भरने वाली माँ दुर्गा स्वयं सिंह के कंधे पर सवार रहती है। मृगाणा मृगेंद्रोहम, तो गीता में श्री कृष्ण स्वयं को मृगराज कहते हैं। वहीं बुद्ध और महावीर की वाणी को सिंहाद यानी सिंह की दहाड़ कहा गया है। भारतवर्ष के राजा महाराजाओं ने वनराज की शक्ति को श्रेष्ठ मानते हुए अपने आसन को सिंहासन की संज्ञा दी। स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र भारत ने भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह प्रतिष्ठित किया। प्रकृति के ऐसे अद्भुत सृजन ने अनेक लोगों को आकर्षित किया, पर इनमें से सिर्फ कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए जो सिंह को अपने परिवार के समान प्रेम करते हैं, साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सिंह प्रकृति की एक अद्वितीय रचना है। सिंह के श्रेष्ठ आवास यानी गिर के आंगन में बैठ तीन दशक के हर लम्हे को याद करते हुए परिमल नथवाणी उन्हीं पगडंडियों पर चल रहे हैं जहां कभी एक नौजवान बिन साधन भी मृगराज के स्नेह में खिंचा चला आता था। आज मानो समय चक्र स्वयं पिछले 35 साल का स्मरण कर रहा है और परिमल नथवाणी के माध्यम से हमारे सामने पूरे दौर का एक एक पल पुनः जीवित हो रहा है। माई फर्स्ट लव इज गिर, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ आता रहा हूँ और एक रिचार्ज होके मैं जाता हूँ यहाँ से। सुविधा तो कुछ नहीं थी, ना पैसा भी था मेरे पास इतना। मैं बस में आया हूँ, ट्रेन में आया हूँ, टैक्सी में आया हूँ। सिंह सदन में मैं रहता था, जिसका किराया था वो 10 रुपया था और खाने की जो थाली थी वो 5 रुपया की थी। और चाय गिर के सामने, ये गिर सदन के सामने वहाँ चाय पीता था, वो भी 1 रुपया की चाय मिलती थी। हर मुश्किल में भी मैं इधर आया हूँ। आज भी गिर में सिंह दर्शन परिमल नथवाणी में नई शक्ति का संचार कर देते हैं और इसी के साथ उन्हें शुरुआती दिनों के किस्से याद आने लगते हैं। मोहन भाई डोडिया, उसको लोग शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे। पहले से भी मैं आता हूँ, बट उन्होंने मुझे ज्यादा लगाव लगा दिया लायन के लिए। तो वो एक थे, एक लिम्बाचिया भाई थे जो नाका पे बैठते थे। एक लगता था कि मैं एक फैमिली के साथ मैं बैठा हूँ उनके साथ। और यहाँ आने का लॉन्ड्री कराना, उतना सब पैसा नहीं था, तो मैं इसी सदन में ही कपड़ा धो के फिर प्रेस कराने के लिए मैं खुद जाता था। तो ये सारी यादें हैं और मैं लास्ट 35 साल से यहाँ आता रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत सुविधा नहीं थी, तो मैं ट्रैकरों की गाड़ी में बैठता था। सुबह में 6 बजे 5 बजे निकलती थी ट्रक, और लोकेशन पार्टी जितनी होती थी, उस टाइम पे टेलीफोन भी नहीं था, दूसरी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो जाते थे और वो ट्रैकर के साथ घूमते घूमते फिर हम लोग आते थे फिर 11 बजे तक। इनका रूटीन काम हो जाता था और मेरा काम हो जाता था सी देखने का और वाइल्ड लाइफ को देखने का। दोनों चीज मुझे अच्छी लगती थी। जब जब मैं काम से निकल के आता हूँ यहाँ पे, तो यही लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। गिर वन क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं जिनसे सिंहों की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो घायल हो जाते हैं। परिमल नथवाणी ने बार बार ये गंभीर मुद्दा गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखा ताकि मूल्यवान सिंहों को बचाया जा सके। गिर में सासण रेलवे स्टेशन पर बैठ परिमल नथवाणी उन्हीं पुरानी यादों में खोए हुए हैं।
तो आज भी मुझे एक लगता है कि इतने प्रयास के बाद भी ट्रैक पे लायन आ जाना स्वाभाविक बात हो रही है। और मैं उस जमाने की बात करता हूँ कि जब कोलसा वाला इंजन चलता था, डीजल भी नहीं था, तब तो मैंने ये देखा है कि पूरी ट्रेन नीचे उतर जाती थी। ज्यादा पैसेंजर नहीं होते थे उस जमाने में भी, तो उतर जाते थे और बैठे रहते थे। इंजन का जो ड्राइवर है वो कोल फेंकता था, ऊपर से पावा बजाता था, उसके बावजूद भी ये जो उठना है तभी उठते थे। तो ट्रेन को लेट होते हुए भी मैंने देखा है, 3-3 घंटा वो ट्रेन रुक जाती थी। परिमल नथवाणी ने न केवल सासण गीर को विश्व में पहचान दिलाई, बल्कि दशकों में बने हर रिश्ते को हृदय से निभाया। यही वजह है कि सिंह साम्राज्य के विस्तार का गवाह रहा हर आदमी परिमल नथवाणी का आदर और सत्कार करता है। गीर ने लगता कोई पण इश्यू होय एमा एमणे बहु हकारात्मक रीते पार्टिसिपेट कर्यु छे अने बले त्यां सुधी गीर ने साचवानो ने संतुलन करवानो प्रयास करेलो छे। સાહેબો બધા હોય તો પણ અમને નામથી જ બોલાવે, અમારા પરિવારનું અમને પૂછે તો અમને ખરેખર એ વસ્તુથી અતિ આનંદ થાય ને અમારી છાતી ગદગદ ફૂલે જાય વસ્તુ સાહેબ બોલતા હોય અમારા નામથી, તો અમને હરખના આંસુ પણ અમારી આંખમાં આવી જાય, હજી અમને ભૂલ્યા નથી સાહેબ એમ। પરિમલ નથવાણી સિર્ફ સિંહ દર્શન કે સાથ રોમાંચિત હોકર નહીં રુકે, બલ્કે ઉન્હોને મૃગરાજ પરિવાર કો ગીર કે આંચલ મેં હર સંકટ સે બચાને કે લિયે અનેકો ભગીરથ પ્રયાસ કિયે હૈ। ખુલે કુઓં સે સિંહ કો બચાને કા કાર્ય હો या फिर सिंहों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का कार्य हो, सिंह संरक्षण के लिए परिमल नथवाणी हमेशा समर्पित रहेंगे। देखिए बच्चे गिर जाते थे और सिंह भी रात को जो है ना इसको बोलते हुकते, अभी दिन में सीधे चलते हैं, रात को हुकते जैसे ऊपर देख के जाते थे और नीचे गिर जाने का क्योंकि लेवल एकदम सेम था तो कभी उनको मालूम नहीं पड़ता था। बच्चे ही नहीं गिर जाते थे, सिंह भी गिर जाते थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो हमने रिलायंस के माध्यम से और हमारे एनजीओ के माध्यम पे हमने एक अभियान लिया कि सिंह गिरना नहीं चाहिए, बच्चा गिरना नहीं चाहिए। तो हमने कम से कम 2000 ज्यादा हमने वेल को बनाया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमने वो बनाया था कि दूर से भी आए तो उस बीच में गिरे नहीं जाएंगे, तो वो आज भी अवेलेबल है। इस तरह इस एरिया में पहले बहुत डॉक्टर्स भी नहीं थे लायन के लिए, अब तो कुछ कुछ सुविधा अच्छी हो गई है और मैं अभिवादन करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आज तक ये सुविधा बढ़ाने के लिए काम किया है। तो लायन इज़ अ प्राइड ऑफ इंडिया। नहीं देखिए हम तो हमेशा लायन के लिए जो करें वो कम है, हम जैसे अपने घर में अपने बच्चे को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, तो ये मेरे लिए एक फैमिली है। तो मैं देखता हूँ इसको कि अभी इतने वेल है तो हम 3000 वेल और शुरू करने वाले हैं और स्पेशल हॉस्पिटल आईसीयू के साथ, और डॉक्टर्स भी हम लाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, जैसे जामवाड़ा है, दूसरी जगह है, धारी है, तो ये हॉस्पिटल हम बनाने वाले हैं। शताब्दियों पहले सिंह ने गीर में पहला कदम रखा। वन की प्रकृति और निवासियों के व्यवहार का असर शेर पर भी पड़ा, जिससे उनके शरीर और आचरण में कई बदलाव आए। परिणाम स्वरूप हजारों साल पहले अफ्रीका की जिस भूमि से सिंह समूह अलग हुए थे, आज दोनों नस्लों में कई अंतर आ चुके हैं। आज गीर के बलिष्ठ राजा के पीछे चलते हुए परिमल नथवाणी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। इस अनोखे लगाव के साथ साथ परिमल नथवाणी का गिर और सिंह पर किया गया अध्ययन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गिर लायन प्राइड ऑफ गुजरात को पढ़कर पता चलता है। ये तो मेरा जो इतना एक्सपीरियंस रहा और मैंने जो काम किया उसके ऊपर मैंने ये किताब निकालने की कोशिश की टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके साथ में। कुछ भी करेंगे तो पब्लिक तक जाना चाहिए और वर्ल्ड में जाना चाहिए, और बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया और ये मैंने बुक बनाई। भारतीय संसद के ऊपरी सदन के सदस्य और विश्व के सबसे सफल बिजनेस घराने में बड़ी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के बावजूद परिमल नथवाणी आज भी गिर निवासियों से सादगी सरलता से मिलते हैं।
ज्यादा ऊर्जा और जोश से सिंह कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसा अनमोल व्यक्तित्व अपने बीच पाकर हर कोई उनका आभारी बन जाता है। यहाँ पहला टाइगर प्रोजेक्ट था, तो जो यहाँ कोई ना ख्याल न तो कि लाइन प्रोजेक्ट थी, एशियाटिक लाइन है, वर्ल्ड में अपने एक जगह पर है, तो एना साइड जो मेहनत करी, संसद में बात करी, एना पी एक आप टूरिज्म ने लीधे अँ अपने एक लाइन प्रोजेक्ट आयो। खरेखर व्यक्तित्व, सरलता, आटला महानता पद साथ हो बहुत दुर्लभ है। सिंह साथ तो साहब ना जो प्रेम, प्रकृति प्रेमी तरीके तो साहब विषय जे बोली एट अमरा एट ओछू है कि दरक वक्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में पूरा सहयोग आप रेस्क्यू सेंटर में पूरा सहयोग आप। नवाब के समय में गिनती करने पर जो सिंह संख्या केवल 20 थी, वो मृगराज आज 700 का आंकड़ा पार कर गुजरात के कई इलाकों में फैल चुके हैं। परंतु इसके आगे कुछ चुनौतियां हैं। परिमल नथवाणी इन चुनौतियों का व्यवहारिक और व्यवस्थित समाधान बता रहे हैं। जो लायन है वो बाहर क्यों चले गए? कम से कम 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, बट वो वहाँ पे भी किसी को नुकसान नहीं करते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि अभी जो साइक्लोन हुआ और उससे पहले भी हुआ, तो हमने एक चीज देखी है कि भाई अभी फॉरेस्ट के अंदर नया हमको प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं है। आज की मुकाबले में लायन को खुली जगह चाहिए और एनिमल्स ज्यादा चाहिए, जैसे नीलगाय है, हिरण है और ऐसे सारे मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा सताधार तक भी आ गए थे, चोटीला तक आ गए थे, और जगह मिलेगी तो उसका ग्रोथ यही होगा। मजबूत मुस्तैद शरीर, तीक्ष्ण आंखें, बेदाग फर और निडर सीरत के साथ एक दहाड़ में शिकार का कलेजा फाड़ देने वाले जंगल के राजा सिंह को जब कोई इंसान पहली बार बहुत पास से देखता है तो भय रोमांच चरम पर पहुंच जाता है। आज परिमल नथवाणी गिर में आकर युवा अवस्था के उसी क्षण को याद कर रहे हैं। 3-4 बच्चे थे और पूरा एक फैमिली थी, और हम मैंने जब देखा तो मैं इतना डर गया था, क्योंकि बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे मोहन भाई के साथ, और छोटे छोटे बच्चे थे, पूरे खून से पड़े हुए थे, क्योंकि किलिंग करने के बाद उनका जो फेस होता है, मेरे को देख के लायन एकदम पीछे आ गए, बट वो मोहन भाई जो थे तो उसने बोला कि अभी तो बैक पे जाओ, पीछे दौड़ के मत जाओ। तो मैं धीरे 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 पीछे गया, बट वो वहीं पे खड़े रहे थे। ये जो मोमेंट है ना, वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एक मेमोरी है। एक कहावत है, गिर में जहाँ मालधारी है वहाँ सिंह है। इंसान और सिंह के आपसी सामंजस्य का ऐसा आदर्श पूरे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। परिमल नथवाणी के मुताबिक ट्रैकर और मालधारी वो दो शक्तियां हैं जिनके कारण गिर में सिंह साम्राज्य फल फूल रहा है। लायन और नेसड़ा वाले जो मालधारी है वो एक नीड है, तो लायन और मालधारी और उनके बच्चे वो छोटे उधर घूमते हैं, खेलते हैं, और लायन उधर से निकल जाता है, ऐसे कई पिक्चर्स हैं। और ऐसा है नहीं कि वो मालधारी के ऊपर लायन ने कभी अटैक किया है, ऐसा भी नहीं होता है। ट्रैकर है वो हार्ट है गिर का, अगर वो नहीं है तो कौन देखेगा? वो डॉक्टर भी है, केयरटेकर भी है, और सब कुछ है। एक उनका भी एक लगाव है बहुत, खाली वो नौकरी नहीं करते हैं। कई ट्रैकर तो ऐसे हैं जो 3 दशक से उनकी फैमिली वो काम कर रही है। जज साहब, वाइल्ड लाइफ विषय, जंगल विषय, प्रकृति विषय जे रीते हो एमा हूँ मददगारी थवू, कई रीते एमा सहभागी बनिए, ई बाबतनो साहेबने बहु इंटरेस्ट हतो, अने गिर माटे बहु एटले बहु जेटलू बने एटलू करवा बहु तैयार छे। परिमल नथवाणी ने सिंह और गिर के विकास के लिए अनंत कोशिशें की है। परिणाम स्वरूप गिर आज विश्व पर्यटन मानचित्र पर अलग पहचान रखता है। परिमल नथवाणी ने गुजरात के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिर और सिंह की एक सुंदर गैलरी का निर्माण भी करवाया है। मैंने ये सोचा कि एयरपोर्ट पर बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, तो वो अपने को इसका मार्केटिंग करना चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए कि गिर यहाँ पे है और गुजरात में है। और आज की तारीख में भी लायन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने जो डिक्लेयर किया है भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने एशियाटिक लायन के लिए,
तो मुझे लगता है कि ये प्रमोशन के बाद आने वाले 10 साल में बहुत सारा फंडिंग इधर आने वाला है और वो फिर लायन के लिए ही होगा। इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सिंह ने कदम रख कुछ जगहों को गौरवमयी बना दिया, पर वहां के निवासी इसका महत्व नहीं समझ पाए। लेकिन परिमल नथवाणी जैसे कालजयी व्यक्तित्व ने इसे समझा और गिर में सिंह के अस्तित्व को बनाए रखकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए लंबी तपस्या की। परिणाम स्वरूप वही गिर आज गुजरात का गौरव है, पूरे भारत का गौरव है।